नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ड्राइव के साथ मोटर को के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं यह देखेंगे। ये हमारे पास जो मोटर है ये 1.5 किलोवाट की मोटर है, ये 1.5 किलोवाट की मोटर है और ये 1.5 किलोवाट का हमारे पास ड्राइव है। आज इसके कनेक्शन करके और इसको रनिंग करके हम दिखाएंगे कि कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये जो केबल आई है ये 3 कोर की केबल लगी, इसमें RYB 3 फेज की मोटर है और 3 फेज का ड्राइव है, इसके हम कनेक्शन करेंगे। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इनपुट पावर सप्लाई ड्राइव के यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये इनपुट यहाँ लिखा हुआ है, इसमें इनपुट पावर सप्लाई 3 फेज U1, V1 और W1। फिर उसके बाद ये इधर मोटर के कनेक्शन हो जाएंगे U2, V2, W2। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो टर्मिनल है इसके, ये हमको रिमोट में अगर ड्राइव को ऑन करना है कहीं दूर और लोकेशन से, तो इसके थ्रू कनेक्शन हम कर करके उसको रिमोट में RPM को कम ज़्यादा, ऑन ऑफ को ड्राइव ऑन ऑफ और बाकी जो इंडिकेशन ट्रिपिंग इंडिकेशन वगैरह सारे यहीं से कनेक्शन करते। अभी हम इसको लोकल ऑपरेट करके दिखाएंगे और ड्राइव से ही उसके RPM कंट्रोल करेंगे और स्पीड कंट्रोल और उसकी मतलब बगैर वायर चेंज किए हुए हम उसकी मोटर की डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारी मोटर से जो 3 तार आई हैं RYB में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ड्राइव के अंदर इनपुट पावर सप्लाई वाली केबल कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मोटर वाली साइड में कर देते हैं और ये इनपुट पावर सप्लाई के लिए हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। जाएं मेन पावर सप्लाई का जो है U1, V1, W1 में RYB तीनों फेज यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं हम। ये हमने VFT के अंदर इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी है और अब हम इसको ऑन करेंगे, इसमें पावर ऑन करेंगे, फिर देखेंगे ऑन करके कि हमारा अगर मोटर की केबल लगाते हैं तो ड्राइव ऑन होता है नहीं होता, एरर दिखाता है। चलिए फिर इसके हम पावर ऑन कर देते हैं। ये फ्रेंड्स, इसकी पावर ऑन हो गई है, ये अभी 0 RPM दिखा रहा है और लोकल मोड में। अगर हमको इसको मोड चेंज करना है तो यहाँ से प्रेस करेंगे अभी रिमोट में, अगर हमको इसको चलाना तो यहाँ से इसके कनेक्शन अलग से करने पड़ेंगे और पुश बटन लगाना पड़ेगा, उसके थ्रू चलेगा ये। तो अभी हम इसको लोकल में ही रखते हैं, ये यहाँ रिमोट में है तो लोकल कर लेते हैं। ये लोकल में आ गया और अभी हमने इसमें मोटर के कनेक्शन नहीं किए हैं, तो एक बार ड्राइव को ऐसे ही ऑन करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये जो एरर है इसका फॉल्ट 0024, ये मोटर के टर्मिनेशन के लिए है। जब तक हम इसमें लोड आगे मोटर के कनेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये एरर देगा। तो इसको हम रीसेट कर देते हैं, यहाँ ये रीसेट का स्विच है, ये रीसेट कर दिया। और अब हम इसके आउटपुट में मोटर के कनेक्शन करेंगे, उससे पहले पावर को ऑफ कर लेंगे, ड्राइव की पावर को ऑफ कर देते हैं। पावर ऑफ करने के बाद कुछ सेकंड के बाद ऑफ हो जाती है इसकी और इसके बाद हम ये मोटर वाले कनेक्शन कर देते हैं इसमें।
U2 V2 W2 में इसके मोटर वाले कनेक्शन कर देंगे। ये दोस्तों हमने इसके कनेक्शन कंप्लीट कर लिए। ये इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट की है और ये मोटर वाली हमारी केबल है, ये इनपुट पावर थ्री फेज। इसके बाद हमको अगर मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है, यानी कि रिवर्स घूम रही है और फॉरवर्ड घूम रही है, तो हमको यहाँ से कनेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ड्राइव से ही हो जाता है। वो हम अभी करके दिखाएंगे। अब इसकी पावर को ऑन कर लेते हैं। हमने प्रॉपर कनेक्शन कर लिए, कनेक्शन को अच्छे से चेक कर लीजिए। तो पावर को ऑन कर लेते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी कनेक्शन हमने इसके प्रॉपर कर लिए हैं और अभी जो मोटर घूमेगी वो रिवर्स में घूमेगी। यहाँ रिवर्स का सिंबल ये ब्लिंकिंग कर रहा है, इधर ड्राइव की डिस्प्ले में दिखा रहा है। ऑन करेंगे मोटर को और ड्राइव हमारा जितना आरपीएम इसमें डाल के रखा है उतने आरपीएम पे ये चली जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 571 आरपीएम और मोटर ये चलने लगी। ये आरपीएम इसलिए नहीं बढ़ रहा है इसका स्लो, इसलिए इसमें गियर लगा हुआ, मोटर यहाँ है। अगर हम मोटर को गियर से अलग करके देखेंगे उसकी शाफ्ट 570 के आसपास उसका आरपीएम मिलेगा। तो हम ये आगे, अभी ये मोटर रिवर्स घूम रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसको हमको रनिंग मोटर को भी हम फॉरवर्ड में कर सकते हैं। ये जो इसका स्विच होता है ये फॉरवर्ड में करने के लिए है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ये देखिए, अगर हम इसको कर देंगे जीरो होके मोटर का, ये देखिए ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड घूमने लगी मोटर। तो इसकी हमने यहाँ से जो कनेक्शन है इसके, तो वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सभी ड्राइव में ऐसे होता है, उसकी कनेक्शन जो इनपुट या आउटपुट स्टार्टर में जैसे हम चेंज करते हैं, तो ड्राइव के वैसे कनेक्शन हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको हम इजीली यहीं से डायरेक्शन मोटर की चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी इस डायरेक्शन में है और जैसे ही हम इसको स्विच को पुश करेंगे तो रिवर्स घूमना शुरू कर देगी। ये देखिए आरपीएम को चेंज हो गए और ये रिवर्स घूमना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो ये स्विच है इनको हम पुश करके हमारे मोटर कितना करंट ले रही है वगैरह चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी रिवर्स में घूम रही इसलिए माइनस में दिखा रही है रिवर्स में, और अगर इसको फॉरवर्ड कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव हट जाएगा। ये देखिए अभी नेगेटिव हट गया, अपने अभी इसको फॉरवर्ड में कर दिया, ये फॉरवर्ड का सिंबल आ गया, ये परसेंटेज दिखा रहा है। इसके बाद ये आरपीएम है 570 आरपीएम और ये इसका करंट है 0.9 एम्पियर, अभी ये करंट ले रही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमने इसको ड्राइव से ही ऑपरेट कर रखा है। अभी ये लोकल पोस्ट से हमने इसको ऑपरेट किया है। अगर हम इसको मैन्युअली लोकल में चला रहे हैं अभी ड्राइव के स्विचों से, अगर इसको हम ड्राइव को यहाँ से ऑफ कर दिया, मोटर ऑफ हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, मोटर ऑफ। और अगर हम इसको रिमोट में कर देते हैं, उसके बाद अगर ड्राइव को ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा ये, ये ऑन यहाँ इसकी जो मैनुअल है उसके हिसाब से जो गाइड दे रखी है उसके कनेक्शन है, उस हिसाब से हम इसके कनेक्शन करके फिर पुश बटन के थ्रू हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो लोकल से हमको अगर चलाना है तो इसको लोकल में रखना पड़ेगा और फिर ये ड्राइव चालू हो जाएगा। ये देखिए, ये अभी करंट दिखा रहा है, ये कितना परसेंटेज, और ये 570 आरपीएम पे मोटर घूम रही है। और ये स्लो इसलिए घूम रहा है क्योंकि ये मोटर के आगे
गियर लगा हुआ, गियर मोटर है ये गियर लगा, मोटर इधर है हमारी, ये मोटर है। अगर मोटर की शाफ्ट देखी जाए तो 570 आरपीएम है उसका, और जो ये परसेंटेज है ये इसका करंट है, और ये जो आरपीएम और ये जो परसेंटेज है, ये अगर रिवर्स में हम घुमाएंगे तो माइनस दिखाएगा। ये देखिए माइनस दिखाएगा, इसका मतलब ये रिवर्स घूम रही है मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे हम इसके जो ये जो टर्मिनल है इनका कैसे कनेक्शन करते हैं वो आगे, इससे आगे एक वीडियो बनाएंगे, इसको रिमोट में चला के दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।